नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। अभी मैं जा रहा हूं केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। अभी मैं हूं सीतापुरी में। यहां से जाएंगे हम सोनप्रयाग, जो 1 किलोमीटर दूर है। गाड़ी यहीं पर रुक गई है। अभी हम सोनप्रयाग जाएंगे, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे और फिर कल सुबह गौरीकुंड से हम 18 किलोमीटर वॉक करके हम जाएंगे बाबा केदार के दरबार में। दोस्तों, अभी यात्रा स्टार्ट हो गई है कल से। बाबा की डोली अभी हमें रास्ते में मिली थी, आज वो गौरीकुंड पहुंचेगी और कल केदारनाथ धाम पहुंचेगी अपने। और परसों सुबह 6 बजे, 6 तारीख को सुबह 6:25 में बाबा केदार धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल जाएंगे 6 महीने के लिए। दोस्तों, अभी आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको पल पल की खबर आपको बताऊंगा, कैसे आप जा सकते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बेस्ट टाइम कौन सा है, सब कुछ। आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और कब आपको यात्रा करनी है और कब नहीं करनी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, मैं आपको पूरी यात्रा की जानकारी दूंगा। अभी आप देख सकते हो मैं हूँ सीतापुरी में। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होटल हैं, ये देखिए आप। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होटल हैं, यहाँ पर आप अपने होटल बुक कर सकते हो। यहाँ से गौरीकुंड 6-7 किलोमीटर है, जो आपको टैक्सी मिल जाएगी। और उसके बाद फिर वॉक करके जाना रहता है। अभी यात्रा स्टार्ट ही है। इस बार जो यात्रियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। लगभग चारधाम यात्रा में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो आप लोग अगर प्लान करते हैं, पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद ही आप यहाँ पर आने का प्लान कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। मैं आपको पूरा बताऊँगा आपको किस मंथ आना है और किस मंथ नहीं आना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे द्वारा दी गई सटीक इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भ्रमित हैं, गलत जानकारी के शिकार हैं, वो लोग बच सकें, ताकि उनको यात्रा में कोई कठिनाई ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको गौरीकुंड पहुंच के आगे की जानकारी देता हूं। आप हमारी वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।